इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2020 यानी कि कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहां पर भी चेक कर पाएंगे, कोस्ट गार्ड रीजन की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वैकेंसी में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ डाउनलोड करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखते रहना है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी आई हुई है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में आप 10वीं पास अगर है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। और जो ये वैकेंसी निकाली गई है, कोरोना वायरस के कारण अर्जेंट भर्ती है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन इसी से रिलेटेड जारी किया गया है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि किसी भी स्टेट से आप अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपको वैकेंसी दी गई है ड्राइवर और यहाँ पर एमटीएस के लिए वैकेंसी दी गई है। और इस भर्ती में जो आपकी एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 32 ईयर के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। आवेदन आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखते रहना है। सिलेबस आपको क्या रहेगा वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को विदाउट स्पिक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। लेकिन उससे पहले जो आज क्वेश्चन होगा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, COVID-19 को किसने महामारी घोषित किया? ऑप्शन ए भारत, बी WHO, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको राइट आंसर लगा हो नीचे यार कमेंट बॉक्स में प्लीज यार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता कर जाना। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अगर फ्रेंड्स आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और होगी कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए होगी और सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इस भर्ती में पूरे ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी आई हुई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यहाँ पर दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा और सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा। काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 27 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त को आपकी एज नहीं तो 18 से कम हो, नहीं 27 से ज़्यादा हो। जो इस भर्ती में आपको छूट दी जाएगी, SC/ST वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती की जो फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट की डिटेल है, कोई आपकी हाइट का इशू नहीं रहेगा, कोई आपकी रनिंग भी आपको यहाँ पर करनी नहीं होगी, नहीं आपको कोई वेट, कितना भी वेट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि फिजिकल यहाँ पर इस वैकेंसी में नहीं होगा। इस भर्ती की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, दोनों पोस्टों के लिए 10वीं पास है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपने किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य है, यहाँ पर भी आप चेक कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन पास होना यानी कि अनिवार्य, आपके पास होना अनिवार्य है। अब देयर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर आवेदन करते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, आपको यहाँ पर बताया गया है। फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपके पास होना अनिवार्य। जो आपके पास फोटो है उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर का होना अनिवार्य है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और पैन कार्ड आपके पास होना अनिवार्य, यानी कि एक ID प्रूफ आपके पास होना अनिवार्य है। इस भर्ती का सिलेबस रहेगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम आपको करके दिखाना होगा। फिर आपका जो एग्जाम होना है ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम रहेगा। क्वालिफाइंग आपको 50 नंबर उसमें लाने होगा, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको और 50 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर 2 स्टेज होगी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। अब देखें, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं किस प्रकार का आएगा तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया, 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का आपका यहाँ पर आपका एग्जाम रहेगा। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा और यहाँ पर ट्रेड टेस्ट रहेगा।
इस भर्ती में आपको जो आवेदन करना है ऑफलाइन मोड से आपको इस भर्ती में आवेदन करना होगा। जो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताऊंगा वो आपको फिल करने के बाद इस वाले एड्रेस पर सेंड करना होगा। किस प्रकार से करना है वीडियो कंप्लीट आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यानी कि सभी महत्वपूर्ण लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर पाएंगे। इन ग्रुप में हम आप इस भर्ती के सभी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि 1 MB के आसपास का है वो आपके सामने आ जाएगा, जो कि सिंपल है, काफ़ी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले आवेदन करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, प्रेजेंट का फोटो लगाना है, जिसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर का होना अनिवार्य है। सेल्फ अटेस्टेड भी आपको यहाँ पर कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, पापा का नेम फिल करना है। अगर आप मेरिड है तो आपको यहाँ पर हस्बैंड का नाम फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ बतानी है, नेशनलिटी बतानी है आपको, यानी कि जन्म तिथि बताने के बाद आपको यहाँ पर अपनी राष्ट्रीयता बतानी है। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी होगी। 10वीं पास है तो आप 10वीं पास भी दे सकते हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा किया हुआ है तो यानी कि 12वीं ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन बताना है, कितने आपके पास क्वालिफिकेशन है। 10वीं पास से आप स्टार्ट करेंगे, 10वीं 12वीं की डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे यानी कि दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड बताना है, किस बोर्ड से आपने 10वीं की हुई है, सब्जेक्ट, मार्क और यहाँ पर परसेंटेज में आपको मार्क बताने हैं। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो उसको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर आपको यहाँ पर इसी प्रकार से अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देना है, परमानेंट आपको एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ आपका आपका जन्म हुआ है, और अगर आप कहीं और रहते हैं पर जन्म आपका कहीं और हुआ है तो आपको कोरेस्पोंडेंस में नया वाला एड्रेस देना है, और जन्म जहाँ पर आपका है वो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आपको एड्रेस देना होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यानी कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, उसके सामने आपको मोबाइल नंबर और नीचे जीमेल आईडी लिखना है, उसके सामने आपको जीमेल आईडी अपनी बता देनी है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें दिया गया है और आपको यहाँ पर डेट और प्लेस डालना, सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपने करने, सारे अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और जो मैंने आपको यहाँ पर इसमें बताया है, यहाँ पर जैसे कि आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल दी गई है, आपको यहाँ पर इस वाले एड्रेस पर ये फिल करने बस सेंड करना होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है, नेक्स्ट पार्ट यानी किस प्रकार से आपको एड्रेस सेंड करना है, कहाँ से आपको लिफाफे खरीदने हैं, उसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और कम से कम अगर इस वीडियो पे 300 प्लस लाइक आते हैं तो मैं वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको ये सेंड करना होगा। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 24 अप्रैल से यहाँ पर इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 5 जून 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है नेक्स्ट पार्ट के लिए तो वो वीडियो यहाँ से देख पाएंगे। और क्या पता आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वो वीडियो यहाँ से देख पाएंगे। नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।